हाथियों की दस्तक। मंडला शहर से 7 किलोमीटर दूर खेतों में दिखे जंगली हाथियों का समूह। मंडला वन विभाग 2 हाथियों को पकड़ने में नाकाम। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंडला शहर से 7 किलोमीटर दूर ग्राम बिनेका के खेतों में ग्रामीणों ने जंगली हाथियों के समूह को देखा। हाथियों ने किया फसलों को नुकसान। हाथी बिनेका हार से जंतीपुर की ओर गए। वन विभाग की टीम लगी सर्चिंग में। पिछले कुछ समय पहले भी जिले में गर्मी के सीजन में नरसिंहपुर सिवनी की ओर से हाथियों का समूह जिले में प्रवेश किया था। उस वक्त भी जंगली हाथियों के समूह ने कई किसानों के खेती की फसलों को बर्बाद कर दिया था। साथ ही सिवनी जिले के घनसौर विकासखंड ग्राम जामुनपानी केदारपुर में एक व्यक्ति पर भी हाथियों के समूह ने हमला कर दिया था, जिससे उक्त ग्रामीण की मौत हो गई थी। हाथियों को रेस्क्यू करने काना एवं मांडवगढ़ की टीम भी मंडला पहुंची, किसी को सफलता नहीं मिली। कई लाख रुपए वन विभाग ने हाथियों के रेस्क्यू नाम पर बजट की मांग की और बिल वाउचर तैयार कर राशि आहरण कर ली है। कागजों तक सिमट गया सर्चिंग अभियान। भोपाल से भी पहुंचे थे उच्च अधिकारी। हाथियों के रेस्क्यू का कार्य यदि जानकार ग्रामीणों के हवाले किया जाता तो शायद अब तक हाथी पकड़े जाते। सरकार वन प्राणियों की सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर भी विगत 6 माह से जंगलों में भटके 2 हाथियों को नहीं पकड़ पाया वन विभाग। मंडला जिले में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है हाथियों के द्वारा, जिससे किसान परेशान है। वन विभाग को किसानों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। अगर आपके पास भी है कोई समाचार तो आप हमें भेजें। संपर्क करें विदीप सिंह मरकाम, डायरेक्टर न्यूज विटनेस। मोबाइल नंबर 9407091560। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।